आज गोपा जब स्वयंवर में चली है, एक एक राजकुमार के सामने से घूमती हुई आज गोपा जब स्वयंवर में पहुंची है, आगे होता क्या है। गोपा मेरे गले में हाथ डालेगी और जैसे ही गोपा के पैर आगे बढ़ते हैं अपनी गर्दन को झुका के बैठ जाते, अब हमारा नंबर कटेगा, अब दोबारा आने वालों आए हैं। गोपा चली है, चलते 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 जहां पर सिद्धार्थ राजकुमार जहां सबसे आखिरी में टूटी फूटी जहां कुर्सी पड़ी थी, सिद्धार्थ राजकुमार उस जगह पर बैठे हुए थे। आज जैसे ही गोपा चलते चलते सिद्धार्थ के पास में जाकर के पहुंची है, आज सिद्धार्थ की मोहिनी सूरत को देख करके गोपा के पैर उसी जगह पर रुक जाते हैं और जैसे ही गोपा के पैर रुके हैं, सिद्धार्थ गौतम उसी समय गोपा को जैसे ही समझा है, देखा है, मान समझ करके गोपा को जिस तरह स्कूल में अध्यापक को महान समझ करके बच्चे खड़े होकर के बच्चे नमन करते हैं, आज सिद्धार्थ भी गोपा को महान समझ करके गोपा को नमन करने लगे। और आज क्या किया है, सहज सुभाव भय उठ ताड़े, सिद्धार्थ की तरफ देखती रही, एक मूर्ति की तरह खड़ी रही। क्या हुआ है, मन मंदिर में मोहनी और सूरत गई समाई, बड़े नया के पांव अब गार गई और आए। आज गोपा के पैर आगे नहीं बढ़े, उसी समय जब सिद्धार्थ ने गोपा को सर झुका करके नमन किया
और गोपा को मौका मिल गया और गोपा ने सिद्धार्थ के गले में हार डाल दिया। बोले भगवान बुद्ध की, जैसे ही गोपा ने हार डाला गजब हो गया। आज गजब हो गया, एकदम से सभी राजकुमार कहने लगे हैं, और राजकुमार खड़े हो जाते कहने लगे ये मुझे पसंद नहीं है। अरे गोपा ने अच्छा नहीं किया, आज किस तरीके से राजकुमार नाराज हो रहे हैं आप लोग देखेंगे। जो अभी हंस प्राण रक्षा की कथा में देवदत्त था, आप देख रहे थे कैसे लड़ाई कर रहा था हंस के पीछे, आज शादी में भी आ गया लड़ाई करने के लिए। हैं? ये बहुत खराब है देवदत्त, हमेशा बिगड़ डालने का काम करता है जहां भी देखो। और कोलीगढ़ की लड़ाई होती है वहां भी सबसे आगे तलवार लेकर के खड़ा था कि हम लड़ेंगे। और आज गोपा की शादी में भी तलवार लेकर के आ गया कि खून की नदियां बहा देंगे। अभी देखिए देवदत्त का कमाल कि देवदत्त किस तरीके से नाराज होता है गोपा की शादी को देख करके। मेरा अपमान करवाया है राजन, अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो क्यों तुमने स्वयंवर किया है राजन? इसी सिद्धार्थ को बुलवा लेते और इसी के साथ में गोपा का विवाह करवा देते राजन। राजन, अरे तुम तो एक क्षत्रिय हो, एक वीर हो राजन, क्या यही तुम्हारी वीरता है? मेरी बात सुनो राजन, सुनिए मेरी बात कि हे राजन मेरी बात सुनो। राजन सुनाओ, बोल सुन रहे। हे राजन मेरी बात सुनो, तुम क्षत्रिय वीर कहते हो, क्या इसे वीरता कहते हैं? क्यों हम सबको भरवाते हो? राजन, अरे तुम तो एक क्षत्रिय हो, तुम तो एक राजा हो, एक वीर हो राजन, क्या यही तुम्हारी वीरता है? राजन ये वीरता नहीं है, ये कायरता का काम है। राजन सुनिए मेरी बात, हे राजन मेरी बात सुनो, तुम क्षत्रिय वीर कहते हो, क्या इसे वीरता कहते हैं? क्यों हम सबको भरमाते हो? राजन, अरे तुम से कायरता के काम करते हो राजन। देखिए हम सभी लोगों को बुलवा करके मेरा अपमान करवाया है राजन तुमने, अगर तुम्हें गोपा ही क्या विवाह करना था तो क्यों हम लोगों को बुलवाया है राजन? तुम तो एक वीर कहते हो, एक छत्री कहते हो, लेकिन तुमने वीरता का काम नहीं किया है राजन, तुमने एक कायरता का काम किया है राजन। राजन और ये स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ है, और जिस जगह पर मेरा अपमान होता है वहां का हाल मैं क्या करता हूँ ये तुम्हें अंदाजा नहीं होगा राजन। मेरी बात सुनो राजन, अरे सिद्धार्थ के अंदर एक भी छत्री के गुण नहीं है राजन, ये सारे दिन जंगलों में रहता है, पशुओं से प्रेम करता है, इसके अंदर एक भी छत्री के गुण नहीं है राजन। ये ना तो शराब पीता है ना जुआ खेलता है राजन, मैं शराब भी पीता हूँ और जुआ भी खेलता हूँ राजन, अगर आ जाए तो मैं युद्ध भी करता हूँ राजन। सुनिए इसके अंदर कौन कौन से गुण है, सुनिए राजन। अरे पालत हंस उड़ावत सुवा पियत शराब न खेलत जुआ, राजन इस सिद्धार्थ के अंदर एक भी क्षत्रिय के गुण नहीं है राजन, ये सारे दिन जंगलों में रहता है, पशु पक्षियों से प्रेम करता है, ना तो ये शराब पीता है ना तो ये जुआ खेलता है राजन। अरे पालत हंस उड़ावत सुआ पियत शराब न खेलत जुआ, और सुनिए राजन। अरे क्षत्रिय के गुण एक हुनाई तासंग गोपा भी पारत
हमें ऐसा ही करना था राजन, तो क्यों हम लोगों को बुलवाया है राजन? देखिए हम लोग युद्ध भी करते हैं, मेरे हाथ में तलवार है राजन, और कहो तो मैं अभी यहाँ पर खून की नदियाँ बहा सकता हूँ राजन, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि गोपा का स्वयंवर है राजन, और तुमने ये अच्छा नहीं किया है राजन। अगर तुम्हें गोपा का विवाह ही करना था तो कोई लक्ष्य रखते, कोई प्रतियोगिता रखते, और जिसमें जो जीत जाता उसी के साथ में तुम अपनी यशोधरा का विवाह करवा देते राजन, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है राजन। अगर तुम्हें इस स्वयंवर में गोपा की शादी ही करनी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा। राजन मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। हाँ, सुनो जरा। अरे शर्त रखो राजन दूजी, जो शर्त करेगा पूरी वो, और शादी कर दो उसी के संग यार सुखी रखेगा गोपा को। राजन अरे कोई दूजी शर्त रखिए, कोई लक्ष्य रखिए, कोई प्रतियोगिता रखिए, जिसमें जो राजकुमार जीत जाता है उसी के साथ में तुम विवाह कर देना राजन। अरे शर्त रखो राजन दूजी, और शर्त करेगा पूरी वो, और शादी कर दो उसी के संग यार सुखी रखेगा गोपा को। राजन मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए राजन, अगर ये स्वयंवर में मेरा विवाह नहीं हुआ तो यहाँ पर अनेकों कत्ल हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी राजन।